जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से आज कहा गया कि देश की अखंडता, शांति और समृद्धि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान वीरों और धरती के सपूतों के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, पुलों एवं अन्य इमारतों के नाम रखे जाएंगे। बता दें कि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये सारी बातें जो है तब कही जब वे लार गांदरबल में शेख अब्दुल्ला जबार की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पहुंचे थे। एलजी ने कहा कि गांदरबल जिला में महत्वपूर्ण इमारतों का नाम शेख अब्दुल जबार के नाम पर रखा जाएगा, जो 32 साल पहले जम्मू कश्मीर में देश की सुवर्णता, शांति और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए आतंकवादियों की गोलियों का निशाना हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे धरती के महान सपूत थे जिनकी देशभक्ति को कभी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही साथ शेख अब्दुल्ला जबार जैसे महान व्यक्ति कभी नहीं मरते, बल्कि वे कई तरह से जीते रहते हैं। इश्वाक जबार अपने महान पिता के नक्शे कदम पर चल रहे थे और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो शांति और समृद्धि के लिए उन्होंने कई काम किए। इसके साथ साथ ही इश्वाक जबार की पत्नी डीडीसी सदस्य भी हैं। पंचायती को मजबूत करने के लिए वे काम कर रही हैं और गांदरबल जिला के 2400 घंटे विकास सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके से वे जुटी हुई नजर आ रही हैं। इसी के चलते जो है अब एक बड़ी अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि जो इस समय हुई। साथ ही साथ जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 1,00,000 करोड़ की राजमार्ग और सुरंगें परियोजनाएं चल रही हैं। पिछले एक साल की अगर बात करें तो 52 करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और ज्यादा निवेश की प्राप्ति जो है वो देखने को मिलेगी। देश के आन बान शान की रक्षा करने वाले जो लोग होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं, वो दूसरों की पीड़ा का भी अनुभव करते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति उनका दृढ़ विश्वास पहाड़ों की तरह अटल होता है। पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से भी उन्होंने दो दो हाथ किए लोहा लिया और अपना सब कुछ नछावर कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर, भारत और तिरंगे की शान पर आंच नहीं आने। देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अपने परिवार का त्याग ये साधारण तपस्या नहीं, और मुझे बताया गया है कि स्कूल, अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के अलावा, जैसा मेरे पूर्व कहा गया, यहां के स्थानीय लोगों के जीविकोपार्जन के लिए भी उन्होंने एक लोगों को रोजगार दिया। उनके पुत्र जैसा अभी बता रहे थे 8वीं जमात में पढ़ते थे जब आतंकवादियों ने उनके सर से उनके पिता का छाया छीन लिया, पूरे परिवार को घाटी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैं तारीफ करूंगा इस बात साहब की प्रेम और निष्ठा को सलाम करूंगा। उससे वापस आए शहीद शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन के जरिए अपने स्वर्गीय पिता के अधूरे कामों को पूरा करने में जुटे। रखता हूं कि जो बातें कही गई हैं उस पर गौर करेंगे आने वाले समय में, उसमें क्या क्या पूरा किया जा सकता है उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे संज्ञान में लाए गए हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए। ये मुझे विरासत में मिला, ये मैंने खुद नहीं किया। प्रोजेक्ट का जब रिव्यू करता हूं तब भी मेरे ध्यान में बातें आती हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि यहां प्रोजेक्ट को लटकाए रखना रिवायत बन गई, ये पुरानी रिवायत है। पिछले वर्ष गांदरबल में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत सालों से लटके 35 प्रोजेक्ट पूरे हुए। डिस्ट्रिक्ट एपेक्स तथा अन्य योजनाओं के तहत भी 75 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। इन सभी प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा कर दिया जाए, इसकी पूरी ईमानदारी से कोशिश हो रही। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, पिछली बार जब मैं आया था तो यहां बच्चियों की शिक्षा का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो काफी कम है। मैं यहां की आवाम से भी, जिला प्रशासन से भी,
और विशेष रूप से जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं और शिक्षक हैं तथा अब्दुल जब्बार फाउंडेशन और यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चियों की शिक्षा के लिए मिलजुल करके हमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि बच्चियों का लगभग 51,000 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए, 51,000 मैंने पहले की तुलना में आप देखेंगे तो ये गति 4 गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी जम्मू कश्मीर, आज 21 किलोमीटर सड़क रोज बन रही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश के राज्यों की सूची जब जारी होती थी उस समय डीडीसी चेयरमैन साहिबा ने अनेक मुद्दे उठाए थे, डीडीसी के हमारे प्रतिनिधियों ने, बाकी संगठनों ने भी, बीच बीच में भी गांधरबल के अनेक जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा से, जब्बार साहब से मेरी मुलाकात होती रही है। काफी सारी चीजें उसमें आगे बढ़ी हैं, जिन मुद्दों का जिक्र इन्होंने किया मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा, उसमें क्या क्या पूरा किया जा सकता है उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे संज्ञान में लाए गए हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए। ये मुझे विरासत में मिला, ये मैंने खुद नहीं किया। प्रोजेक्ट का जब रिव्यू करता हूं तब भी मेरे ध्यान में बातें आती हैं, आप इस बात से वाकिफ हैं। गांधरबल से रईस शाह की रिपोर्ट।